आज तुम्हारा भाई तुम्हें डांस करके दिखाएगा। तो मैंने अपना काला सच बता दिया गाइस। आ गए आप लोग, कैसे हो? बढ़िया, मैं भी एकदम तगड़ा हो रखा हूँ यार। मतलब बालों को थोड़ा इग्नोर करना, पता नहीं कैसे खराब हो रखे हैं। मैं तो 7 दिन से नहीं नहाया, बस इतने में खराब हो गए। मजाक कर रहा हूँ गाइस, कल ही नहाया हूँ। और देखो, मैंने ना क्या सोचा था कि हमारे यहाँ पे ना 2 दिन से बहुत तगड़ी वाली धूप हो रही थी, तो मैंने सोचा अब तो वही सर्दियाँ, कहीं कोहरा हो नहीं रहा, तो अब सुबह जल्दी धूप हो जाती थी, तो उसके चक्कर में मेरी वीडियो लेट हो जाती थी, क्योंकि धूप में कैमरा पता नहीं क्यों काम नहीं करता या मुझे चलाने नहीं आता। सो मैंने सोचा कि आज मैं सुबह जल्दी 6 बजे जागूंगा धूप से पहले, और मस्त मॉर्निंग में वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, ताकि इंट्रो बड़ा तगड़ा आए, है ना। लेकिन धूप तो नहीं मिली, कोहरा मिल गया, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और मैं कोहरे के बीच में। सो ऐसा ही यार, कोहरा मिल गया, मेरी किस्मत खराब। देखो तुम्हारा भाई ने कुछ नहीं पहन रखा, क्योंकि गर्मी थी कल, मैंने सोचा ठंड चली जाएगी, लेकिन ठंड तो गई नहीं, कोहरा ही कोहरा आ गया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। पता यार अभी इतना कोहरा क्या बताऊँ, और अभी 10 बज रहे हैं और हवाएं चल रही ठंडी ठंडी, एकदम मुंह पे आग लग रही है, मज़ा आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उधर देखिए, वो देखो जो व्हाइट वाले कबूतर है ना, सफ़ेद वाले, और ये काला वाला भी बेटा, ये इनका दोस्त है। ये जो सफ़ेद वाले हैं ना, ये मेरे दोस्त हैं, मतलब सॉरी मेरे दोस्त नहीं, ये मेरे ही हैं, मतलब ये सारे के सारे जो हैं वो मेरे हैं। अभी बज रहे हैं 2:00 और थोड़ा टाइम थ्री लग गया, कोई मिलने आया हुआ था, तो उनसे मिल रहा था बातें की, और मुझे आपसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है, मतलब बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी भी बात है, तो मुझे बात करनी है। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी धनों को वॉश करना है, जो रखी है ना, हल्की गंदी हो रखी है थोड़ी सी, तो उसे मैं पहले धो लेता हूँ। और सचिन मैंने यहाँ पर बैठा रखा है, इसको कपड़े धोने हैं, मैंने धोने नहीं दिए, मैंने कहा ना पहले मेरी गाड़ी वॉश करवा, उसके बाद जा। तो पहले गाड़ी धोते हैं, उसके बाद आपसे कुछ ज़रूरी बात है, वो बात करते हैं। पता है मुझे थोड़ी ये गंदी हो जाती ना, तो बड़ी बेकार लगती है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा हल्के हल्के पानी से थोड़ा साफ कर देता हूँ, उसके बाद ये चमकेगी और रखी रहेगी। मैं 2 दिन से कहीं ब्लॉग नहीं बनाने गया, तो मतलब वो नहीं की ना, ये मैंने रखी भूल भूल चढ़ गई है, रोड पे घर है, रोड की साइड से धूल चढ़ जाती है, इसके लिए मैंने कवर भी ऑर्डर किया है। जब तक कवर आता है तब तक धोखे से साफ करके रख देता हूँ, 1-2 दिन में कवर आ जाएगा या फिर 4-6 दिन में आ ही जाएगा, साफ करता हूँ उसे मैं। सो फाइनली भाई, इतनी देर की मेहनत के बाद हमने एक बाल्टी में अपनी पूरी धनों चमका दी है, देख सकते हो, मतलब क्या ही लग रही है यार, आय हाय हाय, एकदम मतलब चमक चुकी तरीके से, इतने अच्छे से ना, तो वो जो वॉश कराने जाते हैं ना, वहाँ पे भी नहीं धो पाते, बट हमने धो दी। और यार इसकी एक टेंशन है बस, ये जो है ना देखो, जैसे ये अभी बूंद रखी है, देखो बूंद रखी होंगी, अब ये सूख जाएंगी, और सूखने के बाद वहीं की वहीं चुपकी से रह जाते, एकदम बेकार लगता है। तो इसका कोई उपाय हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दे यार, मैं बड़ा परेशान हूँ इन बूंदों से, ये सूख जाती हैं फिर दिमाग ख़राब हो जाता है कसम से। और हाँ, मुझे ये भी बता देना कि इस पे जो लेमिनेशन होता है बाइक पे, वो सही रहता है या फिर बेकार रहता है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, और ग्वालियर में कहाँ होता है, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो, कमेंट में बता दो कि लेमिनेशन कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो ग्वालियर में किस जगह होता है, मैं वहीं पर लेमिनेशन कराऊँगा, और थोड़ी सी हैंड गार्ड वगैरह जो भी होते हैं वो लगवा लूँगा यार, है ना। धनो चमकाने के बाद अब तुम्हारा भाई खुद चमकने आ गया है, धनो ने ला दिया, अब मैं भी नहा लूँगा। जो पीछे कुआ दिख रहा है ना इंद्रजीत का, इसने बोला आज भाई आप हमारे कुआ पे नहाओ। जस्ट मजाक, मतलब ये इंद्रजीत का कुआ, इंद्रजीत ने कहा चल भाई कुएं पे नहा के आते हैं, तो यहाँ पर नहाते हैं, लेकिन इंद्रजीत तार लगा रहा है, बोला तार ही जल गए भाई, वाह अति उत्तम, हमें यहाँ पर लेके आए तार जला दिया, अगर इसने ना नहलाया आज मुझे इस कुएं पर, तो इंद्रजीत तो गया। फिलहाल यहाँ पे नहाते हैं, और नहाने के बाद जो भी जरूरी बात करनी है मुझे आपसे, बहुत ज़रूरी है, मज़ा आएगा, बात बताता हूँ। सो यहाँ पे इंद्रजीत जो है वो उसमें जो केबल वेबल जल गई है उसे सही कर रहा है, जल्दी सही कर भाई, मुझे नहाना है, ब्लॉग भी बनाना है, 2 मिनट। और ये है इंद्रजीत के पापा जी, जिनका एक कुआ है, नमस्ते, हाय कर दीजिए, हाय।
भाई जो ही नहाया हमने आज, इतनी ठंड लग रही, इतनी सर्दियाँ पूरी निकलने वाली हैं। मैं आज तक मतलब नॉर्मल पानी से नहीं नहाया, गर्म पानी से नहाया, बट आज नहाया मजा सा आ गया भाई। जो ही मजा आया आज भाई, मजा सा आ गया कसम से। मतलब मैंने तो बिना मतलब जितना भी कालापन था सब छूट गया, प्रेशर इतना था तगड़ा सा कि उसके सामने टिक ही ना पा रहे थे, बट कसम से मजा आ गया। और पानी वानी वेस्ट नहीं हुआ, सो आप कमेंट में गालिया दो, क्योंकि जो खेत है उसमें पानी जाता है, जो भी होता है ना, तो खेत में पानी लग रहा था और चालू था, यहाँ पे खुला था, तो हमने भी मौके का फायदा उठा लिया। इंद्रित का कुआ है और जो ही मजा आया अब तो मैं कपड़े पड़े चेंज करता हूँ। ओह सो तुम्हारा विकास भाई एकदम रेडी हो चुका है नहा धो के कई सालों बाद, नहीं सॉरी कल के बाद। यार मतलब मैं एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जो जनवरी का महीना था, ये जनवरी का महीना था, चिप्स का पैकेट इतनी जल्दी खत्म हो गया यार, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? कसम से पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया ये जनवरी का महीना, और ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं डाल पाया। और मुझे ना आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है कि मैं ना यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मेरी कुछ वीडियोस बननी है। विकास भाई का काला सच आज आपको जानने मिलेगा, विकास भाई का काला सच। मेरा काला सच भाई, मेरा काला सच क्या हो सकता है आप बताइए? मेरे ढंग से बाल काले ना है, लाल लाल हैं, धूप में चमक रहे होंगे, वो काला सच, हाँ शर्ट काली ज़रूर है। सो भाई मैंने जब वीडियो देखा कि विकास भाई का मतलब विकास का विकास करोरी का काला सच, जब वीडियो पर क्लिक किया तब अंदर नॉर्मल बातें थी कि विकास ने ऐसा ऐसा किया तो उसकी वीडियो ग्रो हुई। भाई ये टाइटल, मैं कसम से डर गया यार, मैंने कहा भाई मेरा क्या काला सच है जो मुझे खुद ना पता। तो भाई आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि विकास भाई अब तुम फेमस हो गए हो, ये वो सेलिब्रिटी बन चुकी हो, फलाना डिमका लेमड़ा थेमड़ा अदरक लहसन। सो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, देखो यार फेमस होना सेलिब्रिटी बनना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो आप जिसे सेलिब्रिटी मान लो वो सेलिब्रिटी है, और आप जिसे भाई मान लो वो भाई है। और भाई मैं तो चाहता हूँ मुझे सेलिब्रिटी कभी ना मानो, एक भाई मानो, मतलब जो फील आता है ना कसम से, मतलब वो स्टेज पे ऊपर बैठ के मज़ा नहीं आता मुझे, मुझे भीड़ में लोगों के साथ बैठ के बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है कसम से। जो अपने हैं उनके साथ बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए आप सबको भाई मेरे अपने हो, नॉर्मल बात है। सो ऐसे ही मतलब यार मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ या फेमस नहीं हुआ। और हाँ आप लोग ना यार एक दिक्कत भारी ले रहे हो इस टाइम, क्या दिक्कत आ रही है भैया? आप लोग कह रहे हो कि विकास भाई आप रिप्लाई नहीं करते इंस्टाग्राम पे, यार झूठ नहीं बोलूँगा कसम से यार, हाँ मतलब इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं यार, मैं रिप्लाई देकर भी नहीं दे सकता, अगर पूरा दिन लगा के रिप्लाई भी दूँ ना नहीं दे सकता यार कसम से। मतलब 2-3 हज़ार मेरे हिसाब से तो मैसेजेस पड़े होंगे लोगों के, अब भाई कैसे रिप्लाई दे सकते हो आप बताइए? पर यार आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते यार? आते हो तो फॉलो तो कर लिया कर, कम से कम मैसेज नहीं कर पाते तो मैसेज नहीं देख पाते यार हर किसी का, यार आप समझने की कोशिश कीजिए। बट इसका तुम्हारे विकास भाई ने एक जुगाड़ निकाला है। मैंने ना मतलब मैं अपनी लाइफ में कभी लाइव नहीं किया, यूट्यूब पे भी नहीं किया कभी भी लाइव में, मौका नहीं मिला, इतने सब्सक्राइबर ही नहीं हुए, और अब हुए तो मैं लाइव नहीं किया, और इंस्टा पे भी अभी तक मैंने कभी लाइव जाके चेक नहीं किया लाइव होता क्या है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के रिप्लाई नहीं दे पाता मैं, कई कई बार होता है कि मैं आपके रिप्लाई नहीं दे पाता कोशिश करके भी, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो उनके आंसर नहीं दे पाता, आप लोग कुछ ट्रिक्स टिप्स वगैरह वगैरह क्या क्या पूछते रहते हो मैं नहीं बता पाता, वीडियो में भी बताऊँगा तो नहीं हो पाएगा आई नो। सो प्लीज़ आप लोग इंस्टा पर जाकर फॉलो कर लीजिए, मेरे जिस दिन 10 के हो गए ना इंस्टा पर, 7 के होने वाले हैं, जिस दिन 10 के हो गए उस दिन मैं लाइव आऊँगा, और आप लोग जो भी पूछोगे उसका आंसर मिलेगा, और उसके बाद लाइव आता रहूँगा। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए और फॉलो कर लीजिए, मज़ा आएगा, अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ, शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, लाइक तो कर ही सकते हो, मज़ा आएगा कदम से। सो भाई यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पे और मेरे 10 के फॉलोवर कराइए, वहाँ पे भी के लग जाए मज़ा आ जाएगा, 7 के तो होने वाले हैं, 10 के करा दीजिए, जिस दिन 10 के हुए लाइव आऊँगा, बहुत देर तक 1-2 घंटे तक लाइव चलेगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे जो भी आपके सवाल होंगे जो भी बात करनी होगी सब सबके सामने लाइव पे होगी जस साहब। सो ठीक है ना, तो मैंने अपना काला सच बता दिया है गाइस, मेरे काले सच से आपको क्या सीखने को मिला? भाई विकास भाई का काला सच, उफ चलो आज तुम्हारा भाई तुम्हें डांस करके दिखाएगा। और मैं बताऊँ ना, वो 10 के कर दिए ना आपने अगर इंस्टाग्राम पे, तो मैं लाइव आऊँगा ना,
मतलब कुछ भी, या फिर आप, मैं पोस्ट डाल दूंगा जिसमें आप मुझे कोई चैलेंज देना, मैं वो चैलेंज कंप्लीट करूंगा। अगर आपने इंस्टा पर 10K कर दिया तो आप लोगों का एक चैलेंज उठाया जाएगा, उसे कंप्लीट किया जाएगा। फिलहाल मैं एक डांस करके दिखाता हूँ, मेरा फेवरेट। जल्दी 10K कर दो, फिर चैलेंज, और चैलेंज पूरा करेगा तुम्हारा भाई। सो गाइस, ये जो ब्लैक पर्दा है, अबे चश्मा दे चल। और मैं ये ब्लैक पर्दा लेके आया था, मतलब इसके लगाने के लिए, पीछे मैं लेके नहीं आ पाया था। और ये आज चश्मा लेके आया था गाइस, कैसा लग रहा है? लग रहा हूँ ना शाहरुख खान। और ये मेरे कच्चे का नाड़ा है जो मैं इस पर्दे में डालूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा कीले वीले लगा के। तो उससे पहले लगाता हूँ जल्दी जल्दी और फिर आपको सेटअप कंप्लीट करके दिखाता हूँ। फिर मैं बनूंगा टिकटॉकर, यानी फिर मैं मस्त मस्त रील्स बनाऊंगा और तगड़ी तगड़ी गेम प्ले बनाऊंगा गेमिंग चैनल के लिए। फाइनल सेटअप हमारा कुछ ऐसा है, ये पर्दा लगा हुआ है और यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है गाइस, और यहाँ पे सचिन जी बैठे हुए हैं अंधेरे में चमक गए। और ये सेटअप है ट्रायंगल तगड़ा सा, और ये तार वाद यहाँ पे बहुत सारे, और ये पर्दा है आइस से, और ये हमारा ट्रिपोडा है, ट्राइपोडा इतना बड़ा गाइस, तगड़ा है, मेरे से ऊंचा, मस्त। सो फाइनली अपना सेटअप हो चुका है डन, लेकिन गड़बड़ हो चुकी है, पर्दा है पर्दा छोटा कसम यार, ये छोटा पड़ गया थोड़ा सा, बट ऐसे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा वित्ते वित्ते में। और रील के लिए भी तगड़ा है, रील के लिए तो मस्त है, तब तक मैं पूरा आ रहा हूँ, रील के लिए काफ़ी है, बट मतलब जो यूट्यूब के लिए वीडियो साइज रहता है उस हिसाब से थोड़ी छोटी लग रही पर्दा, बट कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बड़ा कर लेंगे, मतलब नया ले आएंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी तो रील्स ही बनानी तगड़ी तगड़ी। सो चश्मा कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट में बता देना, तुम्हारा भाई हीरो लग रहा है नहीं लग रहा? अभी बज रहे हैं रात के 12:15 और मैं एडिटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, एडिटिंग ख़त्म करता हूँ, बहुत रात हो चुकी है, और बाद में मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय ख़त्म। और ये रहा मेरा सेटअप, सस्ता सेटअप, रील सेटअप, गेमिंग सेटअप, कुछ भी खेलो, बाय बाय, तब तक के लिए लव यू ऑल, और अपना अपना ध्यान रखें, बाय बाय।